दोस्तों, किसी को भी इम्प्रेस करने का सबसे आसान तरीका है मैजिक ट्रिक्स। आज भी कई लोग मैजिक ट्रिक्स को देखकर हैरान हो जाते हैं, और इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ ऐसे माइंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके जरिए सालों से म्यूजिशियन ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। नंबर एक, द कॉइन टेलीपोर्टेशन ट्रिक। ये म्यूजिशियन ताइवान के रहने वाले हैं, और अपने एक ब्रिलियंट मैजिक परफॉर्मेंस की वजह से उन्होंने पूरी ऑडियंस को हैरान कर दिया था। इस मैजिक ट्रिक को महज 4 कार्ड्स और 4 कॉइंस की मदद से किया गया था, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी कॉइंस नहीं थे। इस ट्रिक में वो 4 कॉइन के ऊपर 4 कार्ड्स को इस तरह से रख देते हैं कि वो कॉइंस पूरी तरह से ढक जाते हैं, जिसके बाद वो इन कॉइंस के ऊपर महज अपने हाथ को फ्लो करते हैं, और आप देखिए कॉइंस किस तरह से टेलीपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, वो भी सिर्फ पलक झपकने पर ही। और इसके बाद वो कुछ ऐसा करते हैं कि सब लोग हैरानी से उनकी तरफ देखते हैं। वो चारों कॉइन को गुलाब की पंखड़ियों में बदल देते हैं। आखिर उन्होंने इतने कॉम्प्लिकेटेड मैजिक ट्रिक को कैसे इतने स्मूथली परफॉर्म किया, तो फिक्र मत कीजिए, एसटीआर टीवी है ना, ये उन सभी मैजिक ट्रिक का राज फाश करेगा, जिन्हें देखकर आप भी चकमा जाते हैं। वैसे आपको बता दूं, इस ट्रिक में किसी हाईटेक गैजेट की जरूरत नहीं होती, बल्कि इसे प्योरली अपने हाथों की सफाई से किया गया है, और इसका सीक्रेट उस बोर्ड में छुपा है जिसके ऊपर वो कॉइंस को रखता है, जिसमें इस टेबल पर छोटे छोटे आकार के कुछ होल होते हैं, और वो बहुत आसानी से स्विफ्टली मूव हो जाते हैं और कॉइंस को डिसअपीयर करने का एक बहुत ही बेहतरीन इल्यूजन क्रिएट करते हैं। चलिए अब इस ट्रिक को 3 पार्ट में डिवाइड कर फिर से समझते हैं, जिसमें वो म्यूजिशियन उन कॉइंस के ऊपर कार्ड्स रखता है, और कुछ बार बिना कार्ड्स के वो वहाँ पर कॉइंस को रख देता है, और महज वो अपने हाथों को मूव करता है और वो कॉइंस गायब हो जाते हैं। और तीसरा पार्ट, जिसमें वो उन सभी कॉइंस को गुलाब की पंखड़ियों में बदल देता है। सबसे पहले पार्ट में आप नोटिस करोगे, जब वो अपने हाथ को मूव करता है तब बाकी के तीनों कॉइंस एक ही कॉइन के साथ जमा हो जाते हैं। इस ट्रिक में भी पूरा खेल उस गिमिक बोर्ड का है, जिसमें एक किस्म का मैकेनिज्म लगा होता है। अब जरा इस जगह देखिए, जहाँ पर म्यूजिशियन के पैर के पास एक पॉट पड़ा होता है जिसमें कुछ पौधे लगे हैं। दरअसल उस पॉट के पीछे एक फुट पैडल लगा हुआ है, जो कि उन केबल से कनेक्टेड है जो कॉइन्स को मूव करने का काम करते हैं। उस बोर्ड के भीतर कुछ रॉड्स होती है जिनके ऊपर वो कॉइन लगे हुए हैं। उस बोर्ड में इस तरह के 3 रॉड्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे वो 3 कॉइन्स कनेक्टेड है। लेकिन ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है? दरअसल उस बोर्ड में 6 अलग अलग तरह के होल मौजूद है, और उन होल्स के ऊपर उन 3 कॉइन्स को रखा गया है। बाकी के जो 3 होल है, दरअसल ये वो होल है जहाँ पर कॉइन्स को अपीयर होना है, और इन रॉड्स में मैग्नेट का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि वो उन कॉइन्स को होल्ड कर सके, जिसके बाद वो फुट पेडल का इस्तेमाल करके उन रॉड्स को पूरी तरह से गोल घुमा देता है, और उन कॉइन्स के पीछे उस बोर्ड की तरह ब्लैक कलर के मटेरियल का इस्तेमाल होता है, ताकि देखने में ऐसा लगे कि वहाँ पर कोई कॉइन मौजूद ही नहीं था। ये रॉड कॉइन को पूरी तरह से 180 डिग्री घुमाने का काम करता है। आसानी से आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि वो जो कॉइन्स को टेलीपोर्ट कर रहा है, असल में उस तरह के और भी कॉइन्स का वो इस्तेमाल करता है, और जो कॉइन्स वहाँ से गायब होते हैं वो असल में गायब नहीं होते, बल्कि उसे वो पूरी तरह से पलट देता है। और जैसे ही वो उन कॉइन को 180 डिग्री घुमा देता है, और उसी वक्त सेम टाइम पर वो उन कॉइन्स को ऊपर की तरफ कर देता है जहाँ पर कॉइन को जमा होना होता है, और वो म्यूजिशियन इस काम को इतना फास्ट और इतना सटीक करता है तो देखने वाले को पता ही नहीं चलता कि वहाँ पर और भी कॉइन्स का इस्तेमाल किया गया था। और वो उन सभी रॉड्स को उस फुट पैडल से कंट्रोल करता है जो कि उस ट्री पॉट के पास लगे होते हैं, और इस तरह का अमेजिंग इल्यूजन हमें देखने को मिलता है। और जब हम उस पार्ट के बारे में बात करते हैं जिसमें कि वो कार्ड्स का इस्तेमाल करता है, तो आपको समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि वो इस काम को कैसे करता है। हाँ, लेकिन वो उन कार्ड्स को गायब कैसे करता है, तो इसमें भी एक गिमिक छुपा हुआ है। दरअसल उस बोर्ड के पीछे एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पर वो उन कार्ड्स को आसानी से रख कर छुपा सकता है। चलिए अब बात करते हैं इस मैजिक के उस पार्ट की, जिसमें वो उन सभी कॉइन्स को रोज पेटल्स में बदल देता है। दरअसल वो म्यूजिशियन इस ट्रिक में भी अलग सेटअप को यूज करता है, जिसमें होल्स भी अपनी अलग अलग जगह पर होते हैं, और उनके लिए अलग रॉड्स होती है, और इसमें भी वो सिर्फ उन रॉड्स को ऐसे टर्न कर देता है जिसमें उस कॉइन के पीछे पहले से ही रोज पैलेट्स चिपके होते हैं। और हमें इस तरह से ये इल्यूजन देखने के लिए मिलता है मानो कि वहाँ पर कॉइन्स गायब होकर रोज पैलेट में वो कॉइन्स बदल चुके हैं। नंबर 2, द मैजिकल बॉक्स ट्रिक। अब जरा इस छोटी सी बच्ची को देखिए, जिसका नाम हरमाइनी है, और जिसने अपनी यूनिक सी स्किल के जरिए लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसने इस ट्रिक को ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया था, जिसमें वो सबसे पहले एक बॉक्स में से 3 अलग अलग बुक्स को निकालती है, और उन जज को इन बुक्स को चेक करने के लिए कहती है, जिसके बाद वो उसमें से एक जज को उस बॉक्स को उठाने के लिए कहती है, और हैरानी की बात होती है कि वो जज उस बॉक्स को उठा ही नहीं पाता। लेकिन फिर वो लड़की आसानी से इस बॉक्स को उठा लेती है, और फिर वो
उस जज को किसी एक कार्ड को चुनने के लिए कहती है और दूसरी जज को उस बुक में से कोई एक रैंडम वर्ड चुनने के लिए कहती है और फिर स्टेज के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड रखा होता है, वो उसको मूव करती है और ऑडियंस को शो करती है, जिसमें आप देख सकोगे कि इस पर वही वर्ड लिखा होता है जो उस जज द्वारा चुना गया था। और इसके बाद की ट्रिक को देखकर आप हैरान हो जाओगे। वो लड़की अपने जैकेट को उतार देती है और उसने एक टी शर्ट पहना होता है जिसके ऊपर उस जज का फोटो बना होता है और उसके ऊपर उसी कार्ड का फोटो भी होता है जो उस जज द्वारा चुना गया था। दोस्तों, क्या आपको समझा ये उसने कैसे किया? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि उसने ये कैसे किया। लेकिन इस ट्रिक को रिवील करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वैसे भी सब्सक्राइब का बटन आपके अंगूठे से ज्यादा दूर नहीं है, बहुत करीब है। और हाँ, अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए अब बात करते हैं उस मैजिक ट्रिक के सीक्रेट की। सबसे पहले तो हम उस बॉक्स के बारे में बात करते हैं जिसे उन दो जजेस ने उठाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो दोनों इस बॉक्स को अपनी जगह से हिला भी नहीं पाए। अगर आपको लगता है कि इस बॉक्स के नीचे कोई सक्शन डिवाइस लगा होगा जिसने इस बॉक्स को उस टेबल से चिपकाए रखा, तो मुबारक हो, आपने बिल्कुल गलत सोचा। यहाँ पर ऐसा कोई डिवाइस नहीं था। दरअसल इस बॉक्स में एक गिमिक का इस्तेमाल हुआ था जिसमें इस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट्स का इस्तेमाल किया गया था और उसके ऊपर से उस कार्डबोर्ड के जरिए उसे छिपाया गया था और इस तरकीब से वो बॉक्स बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा था। और इसी मैकेनिज्म की मदद से उस बॉक्स को वो लोग अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहे थे और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट को वो छोटी सी लड़की जो मैजिशियन है वो खुद कंट्रोल कर रही थी। और उस बॉक्स को उठाने से पहले उस लड़की ने उसके स्विच को ऑफ कर दिया। चलिए अब बात करते हैं उस कार्ड ट्रिक के बारे में जो उस जज द्वारा चुना गया था। दरअसल इस कार्ड ट्रिक का सीक्रेट उसके अरेंजमेंट में छिपा हुआ है, जिसमें कार्ड्स को इस तरह से रखा जाता है कि जो ऊपर टॉप और बॉटम पे जो कार्ड्स होते हैं उसमें रैंडम कार्ड्स होते हैं और जो बीच के चार कार्ड्स होते हैं वो डायमंड होते हैं। और वो उस कार्ड्स को ऐसे अरेंज करती है और उस जज के सामने ऐसे शो करती है जिससे वो सामने वाला इंसान बीच के ही किसी रैंडम कार्ड को चूज करने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन अब हम उस बोर्ड के बारे में बात करते हैं कि वहाँ पर वो वर्ड एग्जैक्टली वर्ड कैसे आया जो कि उस जज ने चुना था। दरअसल वो कोई साधारण सा बोर्ड नहीं है बल्कि एक डिजिटल बोर्ड है जिसमें सेल्फ राइटिंग का एक बेहतरीन फीचर है जिसे किसी भी स्मार्टफोन और टैबलेट के साथ आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। और जैसे ही वो जज उस बुक में से कोई एक रैंडम से वर्ड को चुनती है और उस वर्ड को सुनकर ऑडियंस में मौजूद कोई एक बंदा जो कि उस म्यूजिशियन के साथ मिला होता है वो अपने स्मार्टफोन की मदद से उस डिजिटल बोर्ड को कंट्रोल करता है और सेल्फ राइटिंग की मदद से वो बोर्ड हमें वही वर्ड दिखाता है जो उस जज ने चुना था और ये अमेजिंग सा इल्यूजन क्रिएट होता है। नंबर 3, द जेली बीन ट्रिक। फेमस म्यूजिशियन द क्लेयरवॉयंट्स जो कि अपने अमेजिंग माइंड रीडिंग ट्रिक के जरिए जाने जाते हैं, हम जिस मैजिक ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने इस मैजिक ट्रिक को अमेरिकन्स गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया था जिसमें एक लड़की टर्न होकर स्टेज के ऊपर खड़ी होती है और यहाँ पे उस म्यूजिशियन के हाथ में एक छोटा सा बकेट होता है जिसमें अलग अलग किस्म की जेली बीन्स होती है और वो उन सभी जजेस को किसी एक रैंडम जेली बीन को चुनने के लिए कहता है। और यहाँ स्टेज पर खड़ी लड़की जिसका नाम इमली है वो करेक्टली गेस करती है कि कौन से जज ने किस जेली बीन को चूज किया है, जिसके बाद उनमें से एक जज स्पून की मदद से उस बास्केट से बहुत सारे बीन्स को निकालकर एक ग्लास में डालती है और फिर स्टेज पर खड़ी लड़की एग्जैक्टली बताती है कि उस जज ने कितने बीन्स को उस ग्लास में डाला जिसमें 22 बीन्स उस ग्लास में मौजूद होते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस अमेजिंग से मैजिक के सीक्रेट की। सबसे पहले हम उस पार्ट के बारे में बात करते हैं जिसमें वो लड़की स्टेज पर रखे उस बोर्ड के ऊपर सभी जजेस द्वारा चुने गए उन फ्लेवर के नाम लिखती है जो कि उन जजेस ने इस म्यूजिशियन के सामने चूज किए थे। दरअसल इसका सीक्रेट उसके सामने लगे उस शीशे का है जिसमें यहाँ पर बैकग्राउंड स्क्रीन की मदद ली गई थी। आपने नोटिस किया होगा कि वो सामने जो शीशा लगा है दरअसल वो एक कंप्यूटर स्क्रीन है, लेकिन अगर उस स्क्रीन पर फ्लेवर्स के नाम दिख जाए तो सभी को पता लग जाएगा कि इस मैजिक ट्रिक में उस स्क्रीन की मदद ली गई थी। इसीलिए इस चीज में वर्ड्स की नहीं बल्कि कुछ स्पेसिफिक कलर की मदद ली गई थी जो कि उस बैकग्राउंड स्क्रीन पर शो हो रहे थे और उन कलर के अलग अलग कोड्स थे जिसे वो लड़की समझकर उस फ्लेवर को गेस कर रही थी और महज वही लड़की उन कलर्स के कोड को समझ सकती थी और स्क्रीन पर मौजूद उस डाटा की वजह से उसने उन जजेस द्वारा चुने गए उन सभी फ्लेवर्स को करेक्टली प्रिडिक्ट किया। लेकिन उस लड़की को ये कैसे पता था कि उस जज ने उस ग्लास के अंदर 22 जेलीज ही डाले थे? दरअसल इस ट्रिक के अंदर भी एक टेक्नोलॉजी की मदद ली गई थी। दरअसल उस बास्केट के बॉटम में ऐसी प्लेट्स का इस्तेमाल किया गया था जो कि उन जेली बीन्स का सही सही वजन बता सके। और जैसे ही वो जज उस बास्केट से उन जेली बीन्स को निकाल कर उस ग्लास में डालती है तो बैक स्टेज पर मौजूद एक असिस्टेंट को एग्जैक्ट पता चल जाता है कि अब उस बास्केट में कितने जेली बीन्स बचे हैं और इस पूरी ट्रिक में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके करेक्टली कैलकुलेट करके कि अब उस बास्केट में कितने जेली बीन्स बचे हैं, जिसकी मदद से उस ग्लास में मौजूद जेली बीन्स की काउंटिंग करना ज्यादा मुश्किल नहीं था।
और फिर उस नंबर को किसी कोड के फॉर्म में उस स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा था और उसे आसानी से उस महिला ने डिकोड कर लिया। आप इसमें देख सकते हो कि वह म्यूजिशियन कैसे उस जेली बीन्स को अलग अलग कर रहा है ताकि कैलकुलेशन एक्यूरेसी के साथ हो। अब बात करते हैं उस बोर्ड के ऊपर उन जजेस द्वारा चुने गए फ्लेवर कैसे अचानक से आ गए। इसको जानने के लिए आपको इन दो फोटो को जरा गौर से देखना होगा, जिसमें बोर्ड का एक फोटो जो महिला के प्रिडिक्ट करने के पहले का है और दूसरा फोटो जो महिला के प्रिडिक्ट करने के बाद का है। उन दोनों में जरा फर्क देखिए, जिसमें आप देख सकते हो इन दोनों फोटो में जो अल्फाबेट ई है वो अलग अलग है। अगर आप थोड़ा गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो इससे ये बात पता चलती है कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि दो बोर्ड का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें एक न्यू बोर्ड के ऊपर बैक स्टेज पर बैठे एक असिस्टेंट ने उन सारे वर्ड्स को लिखने का काम किया और बड़ी ही चालाकी से उसे उस बोर्ड के साथ बदल दिया गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कुछ ऐसे बड़े बड़े मैजिक ट्रिक को रिवील किया जो कि आज भी लोगों को